अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर जो है दानिया राहील ने क्या बताया अपने इंटरव्यू में। फरियाल दानियाल की तलाक के बाद असल वजह सामने आ गई। दानियाल भी खामोशी तोड़ ही दी आखिर उन्होंने क्या बताया अपने तलाक से मुतलिक, ये सब आज इस वीडियो में। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि चौबीस से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दोनों अदाकार बेहद पसंद किए जाते थे शोबीज़ इंडस्ट्री में। दानियाल राहील और फरियाल महमूद बेहतरीन अदाकार हैं। दोनों ने अपनी शोबीज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था इकट्ठे ही, ये बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और इनकी लव मैरिज हुई थी। ख़वातीन हज़रात, हनीमून से वापसी पर ही जो है एक ऐसी न्यूज़ आई जिसे सुनकर तमाम मदा परेशान हो गए। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, इश्यूज़ तब शुरू हुए जब फरियाल ने अपनी सास और नंद को जो है उनको अनफॉलो कर दिया इंस्टा अकाउंट पर। यह खबर आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई और शोबिज इंडस्ट्री में भी हर कोई यही कहता हुआ नज़र आया कि इन दोनों की डिवोर्स हो गई है। ना सिर्फ उन्होंने अनफॉलो किया बल्कि दानिया राहील और फरियाल की जो शादी की तस्वीर थी, इकट्ठे हनीमून की तस्वीर थी, वो भी डिलीट कर दी। ख़वातीन हज़रात, अगर बात की जाए यहाँ पर फरियाल के अलावा दानियाल राहील की, तो दानियाल राहील ने अपनी जो है ना तस्वीर डिलीट की हैं शादी की, हनीमून की, और ना ही फरियाल को जो है अनफॉलो किया है, बल्कि वो तो इनकी तस्वीर को भी शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों फरियाल की बर्थडे थी तो फरियाल के बर्थडे को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया और उन पर मुबारकबाद भी दी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दोनों में इख्तलाफात तो हैं लेकिन इन दोनों में प्यार अभी भी है। इख्तलाफात तो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके हालात बेहतर करे, उनके इख्तलाफात को दूर करे और आपस में ये सही हो जाएं। दानियाल राहील और फरियाल राहील के लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इस कपल के लिए आप क्या कहेंगे इस कपल के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त शोबी से आने वाली